हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस। दो टेंस की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है पिछले वीडियोस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आखिरी जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। इसके भी चार ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज को एक एक करके देखेंगे। जैसा पहला है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, या जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। सिंपल और इनडेफिनिट सब में एक ब्रांच आते हैं। एक एग्जांपल है आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके पैटर्न को जानेंगे कि कैसे काम करता है। तो सब्जेक्ट हम डालेंगे प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न है। अब हम एग्जांपल को पॉइंट आउट कर लें कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, शैल विल क्या है, इसको हम कहते हैं मॉडल ऑक्जिलियरी, ठीक है। मॉडल ऑक्जिलियरी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब भी है एक तरह का, लेकिन इसको मॉडल कहते हैं। और ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, यही हमारा पैटर्न है, यही हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई शैल राइट अ लेटर, यहाँ जो है इस सिंपल फ्यूचर में हमें किसी भी एक्शन का पता चलता है कि इसकी संभावना है कार्य होने की, जो अनिश्चित है। सिंपल फ्यूचर टेंस अनिश्चितता को दर्शाता है कि कोई कार्य होना है लेकिन ये निश्चित नहीं है, भविष्य में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है। और एक में शैल, दूसरे में विल का प्रयोग हो सकता है। शैल विल के लिए हम लोग जान लें कि शैल जो है वो आई वी के साथ सिर्फ होता है जनरल सेंटेंस में, ठीक है। और विल जो है वो होता है ही शी इट यू दे या नेम, इन सब के साथ विल का प्रयोग होता है जनरल सेंस में, ठीक है। अब अगर मैंडेटरी हो जाता है तो इसको ऑपोजिट हम कर देंगे। कोई चीज़ अगर मस्ट हो गया, श्योर हो गया, तो ये शैल जो है इन सब के साथ लगेगा श्योरिटी के लिए, और विल जो है वो आई यू के साथ लगेगा, आई और यू वी के साथ लगेगा श्योरिटी के लिए। लेकिन अनश्योर है, अनसर्टेन है, तो इस सेंस में हम यही प्रयोग करते हैं शैल विल का, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो तो शैल नॉट, विल नॉट, और शॉर्ट में शांट और वोंट का प्रयोग किया जाता है। शैल नॉट का फुल फॉर्म का ये शॉर्ट फॉर्म होगा शांट, विल नॉट का जो हो जाएगा वो होगा वोंट। ये यूज जनरली हम कोलोक्वियल लैंग्वेज में या स्पोकन में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली लिखने के लिए हम फुल फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर इसे क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो इस तरह से हम बना सकते हैं शैल आई गो विथ यू, सिंपल क्वेश्चन। और अगर WH है तो हम बना सकते हैं वाई विल यू नॉट कम, ये WH क्वेश्चन है। तो ये सिंपल फ्यूचर जो टेंस है, इसका ब्रांच जो है, ये हमें बताता है कि भविष्य में कोई घटना घटने वाली है, कोई काम होने वाला है, कोई एक्शन टेक्स प्लेस करने वाला है, जो अनसर्टेन है, अनश्योर है, लेकिन एक संभावना व्यक्त होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।